ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स के लिए सांता क्लॉस बनी पाकिस्तान टीम, क्रिसमस पर सरप्राइज गिफ्ट देकर लूट ली महफिल। पाकिस्तान ने सरफराज अहमद को किया टीम से बाहर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए दो बड़े बदलाव। पर्थ में खेले पहले टेस्ट में 360 रन की करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम में उथल पुथल मचना लाजमी था और मेलबर्न में 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले ऐसा ही देखने को भी मिला। शान मसूद ने कप्तानी की बागडोर संभालने के बाद कुछ खिलाड़ियों पर भरोसा जताया था, जिनमें एक एक्सपीरियंस्ड सरफराज अहमद भी थे, लेकिन जब करारी हार मिली तो उसका दबाव उनके उस भरोसे पर ऐसा हावी हुआ कि सरफराज अहमद को टीम से बाहर करना पड़ा। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 तो नहीं बल्कि 12 मेंबर की टीम का ऐलान कर दिया। इस बीच पाकिस्तान टीम ने कुछ ऐसा किया कि उनकी इस वक्त पूरी दुनिया में जमकर तारीफ हो रही है। हर कोई उनकी तारीफ में कसीदे कर रहा है। दरअसल उन्होंने क्रिश्चियन त्योहार क्रिसमस पर ऑस्ट्रेलियाई टीम और उनके परिवारों को तोहफे बांटे। वायरल वीडियो में पाकिस्तान कप्तान शान मसूद और स्पोर्ट्स स्टाफ पाकिस्तान के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के इंडोर नेट्स में पहुंच गए, जहां ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस और दूसरे खिलाड़ियों के परिवार मौजूद थे। ऐसे में पाकिस्तानी टीम ने कप्तान कमिंस और अन्य खिलाड़ियों की फैमिली को गिफ्ट दिए। पैट के हाथ में भी गिफ्ट की टोकरी थी। वहीं वीडियो में शान मसूद और पैट कमिंस लंबे समय तक बात करते हुए भी नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होना है, लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए एक दिन पहले ही 12 सदस्य टीम का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि पहले टेस्ट की टीम के मुकाबले दूसरे टेस्ट मैच की टीम में दो बदलाव हैं। सरफराज अहमद तो टीम से बाहर हैं ही, उनके अलावा खुर्रम शहजाद भी अपनी जगह नहीं बचा पाए हैं। अब सवाल यह है कि जब हार पूरी पाकिस्तान टीम की हुई है तो गाज सिर्फ सरफराज अहमद पर ही क्यों? तो इसका जवाब है पर्थ में खेले पहले टेस्ट में किया उनका परफॉर्मेंस। पाकिस्तान मैनेजमेंट ने जिस उम्मीद के साथ सरफराज को मौका दिया था, उनके एक्सपीरियंस को भुनाने की कोशिश की थी, वो उस पर खरे नहीं उतरे। पर्थ टेस्ट की दोनों पारियों में सरफराज डबल डिजिट का आंकड़ा छूने में नाकाम रहे। उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर सिर्फ 7 रन बनाए, जिसमें पहली पारी में 3 रन और दूसरी पारी में 4 रन शामिल रहे। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल किया, जिन्होंने प्रैक्टिस मैच में खुद के प्रचंड फॉर्म में होने का सबूत पेश किया। आइए एक नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चुनी गई 12 सदस्यीय पाकिस्तानी टीम पर। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद कप्तान, बाबर आजम, साउथ शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, हसन अली, मीर हमजा, आमिर जमाल, साजिद खान। पाकिस्तान टीम को पहले टेस्ट में करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर उन्हें यह सीरीज जीती है तो किसी भी हाल में दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम करना होगा। अगर कंगारुओं ने मेलबर्न टेस्ट ड्रॉ भी करवा दिया तो इस बार भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाएगा। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।